नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। धंधुकामा किशन बरवाट नामना युवान ने हत्या करवामां आवी हती, जेमां बे शार्पशूटर सबीर अने इम्तियाज पठाण पकड़ाया हता। तेमने तपासमां खोल्युं हतुं के तेमने अमदावादना मौलवी अय्यूब झावरावालाए साधनों पूरा पाड्या हता, अने तेमां वधु तपास करता एक दिल्हीनो मौलाना कमरगली उस्माननी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। वधु तपास माटे एटीएस ने तपास सौंपवामां आवी हती। धंधुका में एक किशन भरवाड़ नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद रूरल पुलिस कर रही थी और उन्होंने 3 एक्यूज को गिरफ्तार किया था। अगर इसमें धार्मिक कट्टरता या आतंकवाद का कोई एंगल है कि नहीं, उसकी तपास के लिए एटीएस की टीम ड्यूटी थी, जिसमें पर्दाफाश हुआ था कि धार्मिक कट्टरता को ध्यान में रख के एक्यूज सबीर चोपड़ा ने इम्तियाज पठान के साथ में मिलकर एक पिस्तौल वेपन मौलाना अय्यूब के पास से लेकर मौलाना अय्यूब के बहकावे में और सिस्टमेटिकल रेडिकल होकर ये हत्या को अंजाम दिया है। मौलाना अय्यूब ने ये वेपन पिस्तौल राजकोट के एक शख्स आसिफ समा के पास में लिया था। आसिफ समा ने ये वेपन के कोई पैसे उनसे नहीं लिए थे और ये शख्स एक्यूज हमारा सबीर चोपड़ा मौलाना कमर गनी उस्मानी के साथ में इंस्टाग्राम से कांटेक्ट में था और उनसे जाकर के एक बार दिल्ली और एक बार मुंबई मिला था और मुंबई से उन्होंने कमर गनी उस्मानी ने सबीर को गुजरात के मौलाना अय्यूब का कांटेक्ट करने के लिए बोला था और अय्यूब ने ही इसको समझ दी थी सफीर को कि पैगंबर की अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। तो ये चीज में वो बहकावे में आ गया था। उसके अलावा पोरबंदर में एक साजन ओडेत्रा नाम के लड़के ने पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी की थी, जिसके सामने पोरबंदर पुलिस ने उसी वक्त FIR रजिस्टर करवा दी थी और वो बंदा करीबन 2 महीने जितना जुडिशियल कस्टडी में रहा था। उसको मारने के लिए भी सबीर को लेकर अय्यूब वहां पर गया था, मगर साजन वहां हाजिर नहीं होने की वजह से वो लोग उसकी हत्या को अंजाम नहीं दे पाए थे। बेसिकली कमर गनी उस्मानी ने ही इनका कांटेक्ट करवाया था, इसलिए अभी आगे कमर गनी उस्मानी की छानबीन और तफसीर चल रही है। जय हिंद। कैफे एंड रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क धमाका मशाल चौक नानी दबन।